हेलो गाइस, हमने पिछले वीडियो में महिंद्रा और विराट इन दोनों के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये हमने पता किया है। इस वीडियो में हम पता करने जा रहे हैं, न्यूटन्स ने हमें बताया कि एवरी ऑब्जेक्ट जो है हर एक अल दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, यानी हर एक चीज दूसरी चीज को अपनी तरफ खींचती है। तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स होता है दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स उन दोनों के बीच में होने के बावजूद भी हर एक चीज हर दूसरी चीज की तरफ खींचती हुई हमें दिखाई नहीं देती। जो महिंद्रा और विराट जिनके बारे में हमने पिछले वीडियो में एक एग्जांपल देखा था, महिंद्रा का मास 75 किलोग्राम और विराट का मास था 80 किलोग्राम, तो उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स था 4.002 × 10⁻⁷ न्यूटन। तो आज हमें यहाँ पे पता करना है, अगर महिंद्रा जो इस बेंच पे बैठा हुआ है वो फ्रिक्शनलेस है, तो फ्रिक्शनलेस बेंच पे महिंद्रा बैठने के बाद अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स वो विराट की तरफ जब खींचेगा तो उसके बीच में वेलोसिटी कितनी होगी, महिंद्रा की वेलोसिटी कितनी होगी, उसकी स्पीड कितनी होगी, कितनी स्पीड से वो विराट की तरफ खींचा जाएगा। तो हमें वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर 1 सेकंड, 1 सेकंड के बाद टाइम आफ्टर 1 सेकंड हमें निकालनी है वेलोसिटी। तो मास ऑफ महिंद्रा हमें पता है, मास है महिंद्रा का 75 किलोग्राम और हमें निकालनी है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकालने से पहले हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। तो यहाँ पे फोर्स है 4.002 × 10⁻⁷ और मास ऑफ महिंद्रा इज 75 किलोग्राम, देयरफॉर वी गेट द एक्सेलरेशन 5.34 × 10⁻⁹ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं अभी क्योंकि हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई। तो वेलोसिटी निकालने के लिए न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल हम करेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस at। यहां u की वैल्यू 0 है इनिशियल वेलोसिटी, बिकॉज महिंद्रा जब स्टार्ट करेगा विराट की तरफ खींचना तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो v इज इक्वल टू a into t, 1 सेकंड के बाद उसमें वेलोसिटी आएगी, एक्सेलरेशन है 5.34 टाइम 1 सेकंड, देयरफॉर वेलोसिटी इज 5.34 × 10⁻⁹ मीटर पर सेकंड। इतनी वेलोसिटी, यानी कि दिस वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल, ए स्मॉल वेलोसिटी, क्योंकि फोर्स इनके बीच में बहुत ही स्मॉल है और उसकी वजह से वेलोसिटी भी यहां पे कम आई है। तो अभी हमें महिंद्रा जो है फ्रिक्शनलेस सरफेस होने की वजह से विराट की तरफ तो खींच अट्रैक्शन हो रहा और उसकी वेलोसिटी है ये इतनी, तो हमें अभी निकालना है आप हाउ मच टाइम इट रिक्वायर्ड टू कवर 1 सेंटीमीटर ऑफ डिस्टेंस, यस मींस डिस्टेंस, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस महिंद्रा को विराट की तरफ पार करने के लिए कितना समय यहां पे लगता है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.01 मीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर डिस्टेंस पार करने के लिए विराट को कितना समय लगेगा, टाइम रिक्वायर। तो टाइम निकालने के लिए हमें सेकंड इक्वेशन का इस्तेमाल करना है, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो u इनिशियल वेलोसिटी 0 है, देयरफॉर s इज इक्वल टू 1/2 at स्क्वायर। तो हमें टाइम निकालना है, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 2s अपॉन a, s की वैल्यू है 0.01 डिस्टेंस मीटर और एक्सेलरेशन हमें मिला है 5.34 × 10⁻¹। तो t स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 0.02 × 5.34 × 10⁻¹। तो हमें आंसर मिलता है t स्क्वायर इज इक्वल टू 0.003 × 10⁻¹। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू 0.03 × 10⁸, इसका पावर 1 से कम कर दें, यानी कि ये जो पॉइंट है डिजिट 1 कम हो जाएगा, t इज इक्वल टू t स्क्वायर इज इक्वल टू देयरफॉर t इज
इक्वल टू क्या मिलता है, t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0.03 इंटू 10 टू द पावर 8, तो t इज इक्वल टू 0.03 रूट मिलता है 0.17 इंटू 10 टू द पावर 4, देयरफॉर t इज इक्वल टू 17 इंटू 2 10 स्क्वायर सेकंड, यानी कि 1700 सेकंड महिंद्रा को विराट की तरफ 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पार करने के लिए लगेगा, यानी इसका आवर भी कितना लगेगा, t इज इक्वल टू 1700/60, t इज इक्वल टू 28.33 आवर, यानी 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस, 1 सेंटीमीटर यानी 10 मिलीमीटर डिस्टेंस महिंद्रा को विराट की तरफ जब अट्रैक्ट होगा तो पार करने के लिए उसे समय लगेगा 28 आवर, तो उसे 1 मीटर डिस्टेंस पार करने के लिए कितना समय लग सकता है इसमें से हम निकाल पाएंगे। इट मींस दैट ग्रेविटेशनल फोर्स कम होने की वजह से एक्सेलरेशन कम है, उसकी वजह से वेलोसिटी कम है, और वेलोसिटी कम होने की वजह से स्पीड कम होने की वजह से उनको उतना डिस्टेंस पार करने के लिए बहुत समय लगता है, एंड दैट इज प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल टू अट्रैक्ट द महिंद्रा एंड विराट टुवर्ड्स ईच अदर। अभी तो ये हमने निकाले फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, और हम अर्थ पे रह रहे हैं, यहाँ पे सभी सरफेस पे क्या है, फ्रिक्शन हमें मिलता है। तो अब हमें निकालना है तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है महिंद्रा और अर्थ के बीच में कितना होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड महिंद्रा हुज मास इज 75 किलोग्राम। अब अर्थ और महिंद्रा के बीच में कितना फोर्स होगा, हमें यहां पे गिवन वैल्यूज पता है, मास ऑफ अर्थ जिसे हम M1 कहेंगे, मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁴ किलोग्राम, देन M2 मास ऑफ महिंद्रा 75 किलोग्राम, और R रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ रेडियस है 6.4 × 10⁶ मीटर। अब हमें निकालना है महिंद्रा और अर्थ इनके बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जी क्यों है फॉर्मूला पता है, एफ इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। अब सब वैल्यू पुट करेंगे, जी की वैल्यू 6.67, M1 की वैल्यू मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁴, M2 मास ऑफ महिंद्रा 75, एंड रेडियस 6.4 × 10⁶ स्क्वायर, तो हमें यहाँ पे फोर्स मिलता है 733 न्यूटन, दैट इज 733 न्यूटन इज द फोर्स बिटवीन महिंद्रा एंड अर्थ, दैट इज अर्थ produces the gravitational force of 733 न्यूटन ऑन द महिंद्रा, और महिंद्रा और विराट इन दोनों के बीच में फोर्स था 4.002 × 10⁻¹⁷ न्यूटन। एज कंपेयर टू दिस, दिस फोर्स इज वेरी लार्ज, दैट इज 1.3383 × 10⁶ टाइम्स मोर। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जे दो बॉडीज का मास 80 और 75 किलोग्राम, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, और अर्थ और 75 किलोग्राम इसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके डिफरेंस है 8.1383 × 10⁶ टाइम, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, इसी वजह से महिंद्रा जो है वो अर्थ की तरफ खींचा जाता है। तो अब महिंद्रा की वेलोसिटी निकालिए, वेलोसिटी ऑफ महिंद्रा आफ्टर 1 सेकंड अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ दिस फोर्स, वेलोसिटी ऑफ
महिंद्रा आफ्टर वन सेकंड, एक सेकंड के मास महिंद्रा की वेलोसिटी क्या होगी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी वेलोसिटी निकालने के लिए हमें एक्सेलरेशन निकाला है, फोर्स अपॉन मास, फोर्स तो पता हो गया 733 अपॉन मास ऑफ महिंद्रा इज 75, एक्सेलरेशन हमें मिलता है 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड दिस मच इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द महिंद्रा। एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस एक्सेलरेशन, अब इस एक्सेलरेशन में महिंद्रा की वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी निकालते v इज इक्वल टू u प्लस at, u तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, देयरफॉर v इज इक्वल टू at, 1 सेकंड के बाद 9.77 into 1, देयरफॉर वेलोसिटी महिंद्रा इज 9.77 into मीटर पर सेकंड, द वेलोसिटी ऑफ महिंद्रा इज 9.77 मीटर पर सेकंड। तो दिस वेलोसिटी इज टू मच। अभी हम कंपैरिजन करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स महिंद्रा और अर्थ के बीच में और महिंद्रा और विराट के बीच में, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन महिंद्रा एंड विराट, यहां पे महिंद्रा का मास 75 था और विराट का मास 80, और यहां ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड महिंद्रा, अर्थ का मास 6 × 10⁴ किलोग्राम, महिंद्रा का मास 75 किलोग्राम। अब इस दोनों के बीच में फोर्स है 4.002 × 10⁻⁷ न्यूटन, 4.002 × 10 यहाँ पे 733 न्यूटन जो हमें फोर्स मिला है। देन सेकंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन बिटवीन द महिंद्रा एंड विराट इज 5.34 × 10⁻⁹ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहां भी मिला हमें एक्सेलरेशन 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देयरफॉर एज कंपेयर द फोर्स एंड एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड वेलोसिटी ऑफ महिंद्रा इज 5.34 × 10⁻⁹ मीटर पर सेकंड, and velocity in the Mahindra after 1 second if it is fall under the gravitational force of earth, its velocity is 9.77 meter per second. These values, it means that the gravitational force and velocity is 1.83 × 10⁶ times more, itni times jo hai wo yahan pe gravitational force aur jo यहाँ पे मिलता है हमें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ये ज्यादा है, और इसी की वजह से महिंद्रा और विराट दोनों का मास कम है, इन दोनों के बीच में प्रैक्टिकली अट्रैक्शन हमें नहीं दिखता लेकिन अर्थ और महिंद्रा के बीच में दिखता है। इससे हमें पता चलता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट होने के लिए प्रैक्टिकली हमें अज्यूम दिखने के लिए अट्रैक्शन होने के लिए वहां पे एक बॉडी जो है वो बहुत बड़ी होनी चाहिए और दूसरी छोटी होनी चाहिए, या दोनों ऑब्जेक्ट जो है उनका मास ज्यादा होना चाहिए। ओके थैंक यू। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पता करेंगे, हम पढ़ेंगे अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं। टिल थैंक यू।